हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको रोहिणी नक्षत्र, जो रोहिणी नक्षत्र होता है, जो जनरली ये चौथे नंबर का नक्षत्र होता है, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, इसके विषय में संपूर्ण जो जानकारी जितनी संभव है, रोहिणी नक्षत्र संपूर्ण अधिक से अधिक 90% जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। चलते हैं रोहिणी नक्षत्र के विषय में। ये मेरा मोबाइल नंबर है, कुंडली विश्लेषण के लिए संपर्क कर सकते हैं। पंचांग के 5 अंग होते हैं। बिना मुहूर्त के, बिना नक्षत्र के मुहूर्त संभव नहीं होता, और मुहूर्त निर्माण में नक्षत्र का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। नक्षत्र के साथ ही हम नक्षत्र का आराध्य देव और आराध्य देव की शांति का जो श्लोक है, मंत्र है, वो भी बताएंगे। ठीक है, कोशिश ये होगी कि जड़ी बूटी और अनिष्ट से नक्षत्र शांति होती है, उसके विषय में बताया जाएगा। आगे चलने के पहले एक महत्वपूर्ण जो इंफॉर्मेशन है, समुद्र शास्त्र से ली गई है, दुर्नामा। समुद्र शास्त्र में बात आई है कि जिस किसी, खासकर कन्याओं के मामले में बोल रहा हूँ, जिसका नाम किसी पर्वत के नाम पर हो, अथवा नदी के नाम पर हो, अथवा वृक्ष लता गुल्म इस पर उसका नाम हो, अथवा 27 नक्षत्रों में से किसी पर उसका नाम हो, वह पति के साथ प्रसन्न नहीं रहती, उसके साथ दाम्पत्य जीवन क्लेश युक्त रहता है, वह स्वतंत्र प्रकृति वाली होती है, बंधन पसंद नहीं करती। मनुस्मृति में भी कहा है, नक्षत्र, नदी, पर्वत आदि के नाम पर कन्याओं के नामकरण का निषेध है। मतलब नर्मदा, खासकर फीमेल के जो नाम होने चाहिए, नर्मदा, गंगा, जमुना, सरस्वती, ठीक है, या कोई 27 नक्षत्र है, 1 से लेकर 27 नक्षत्र, अश्विनी, भरणी, केतु, रोहिणी, मृगशिर्का, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, 27 तक नक्षत्र है, अश्विनी से लेके रेवती तक। इन नामों में, इनके नाम पर, नक्षत्रों के नाम पर कन्याओं का नाम नहीं रखना चाहिए। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। और जब मेरे को ये जानकारी लगी, जब मैंने ये पढ़ा, इसके बाद कई कुंडलियों पर मैंने इसका अनुसंधान भी किया, कि मैंने देखा कि बिल्कुल अक्षर से सही बात बैठ रही है। ये जो लड़की का नाम स्वाति होगा, रोहिणी होगा, अनुराधा होगा, अश्विनी होगा, भरणी होगा, ठीक है, या मृगशिरा होगा, चित्रा होगा, हस्त होगा, मघा, मूला, रेवती, सद्भिषा, धनिष्ठा, विशाखा, पुष्य, अश्लेषा, इस प्रकार से नाम वाली जो लड़की हैं, उनका वैवाहिक जीवन दुखद होने की भविष्यवाणी समुद्र शास्त्र करता है। मेरे अनुभव में भी ये जाना है, लेकिन मैंने तो सिर्फ 5-10 ही कुंडली देखी है, तो 5-10 कुंडली देखे किसी अनुसंधान नहीं माना जाता, जब तक कि ये अनुसंधान 100 कुंडली में न लगाया जाए, 1000 कुंडली में न लगाया जाए। फिर भी मैं सभी जातकों से निवेदन करता हूं कि अपनी बेटी का नाम नदियों के नाम पे, पर्वत के नाम पे, गुल्म लताओं के नाम पे और नक्षत्रों के नाम पे ना रखें। आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। देखो, घाघ और बुटरी नाम की, घाघ और बुटरी जो लोक कवि थे, उन्होंने भी कई बार लिखा है, नक्षत्रों के रेफरेंस दिया है। ठीक है, जैसे कि लिखते हैं, रोहिणी मृगशिरा, मृगशिर बोए मक्का, उड़द महु मड़ुआ दे नहीं टका। भावार्थ, मक्का, उड़द और भड़वा पड़वा रोहिणी और मृगशिरा के बोने से अच्छी पैदावार नहीं होती। मृगशिरा में यदि चना बो देंगे तो जमींदार को देने भर के लिए भी पैदा नहीं होगा। पुष्य नक्षत्र में यदि बाजरा बोओगे तो मनमाना आराम पाओगे। ठीक है, ऐसी कई चीजें हैं, जैसे रोहिणी खाट मृगशिरा छौनी, अद्रा आए धान को बोनी। रोहिणी नक्षत्र में खाट बुनकर, मृगशिरा में छप्पर छाकर किसान को निवृत्त हो जाना चाहिए। तो ये किसानों के लिए घाघ और बुड्री नाम की लोकोक्तियां काफी उपयोगी है। और जो किसान भाई होंगे या जिनका रूरल एरिया से कोई वास्ता होगा, खेती किसानी से रिलेटेड होंगे, ऐसे व्यक्तियों को ये घाघ और बुड्री की जो किताब है जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि कृषकों के लिए तो बड़ी काम की चीज है। आगे बढ़ते हैं, मेदिनी ज्योतिष में भी कहा गया है कि रोहिणी नक्षत्र के बारे में बताया। मैंने ये जो घाघ बुड्री की बात कही है, इसको रिलेशन में बता रहा हूं कि भरणी नक्षत्र का कहाँ कहाँ विवरण आता है। ठीक है, मेदिनी ज्योतिष में भी, जो पूरी दुनिया की ज्योतिष होती है, उसमें भी महाभारत के उद्योग पर्व में ये बात आई है कि
महातेजस्वी एवं तीक्ष्ण ग्रह शनेश्वर शनेश्वर प्रजापति संबंधी रोहिणी नक्षत्र को पीड़ित करते हुए जगत के प्राणियों को अधिक से अधिक पीड़ा दे रहे हैं। जब भी शनि का गोचर रोहिणी नक्षत्र में होता है तो ये तकलीफ देह होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को जानना चाहिए कि उनका इससे जुड़े क्या व्यवसाय होते हैं, क्या शेयर मार्केट में भी इसका कोई रिलेशन है, दुख तकलीफ की स्थिति कैसा उसका व्यवहार होगा, कौन सी नक्षत्र वनस्पति होगी, कौन सी बूटी होगी नक्षत्र की, तो इत्यादि का ज्ञान यदि आप कर लेते हो तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रोहिणी का जो स्वामी होता है चंद्रमा होता है। ठीक है, यदि किसी जातक का जन्म रोहिणी नक्षत्र में जन्म होगा तो उसका जो महादशा है उसकी चंद्र से ही चालू होगी, और ये नक्षत्रों के क्रम में चार नंबर का नक्षत्र रोहिणी। ठीक है, अब रोहिणी नक्षत्र का कहीं से भी वास्ता विषकन्या योग से नहीं होता है। ठीक है, ये अच्छी बात है। विषकन्या योग में कृतिका आश्लेषा सद्विषा काउंटिंग होती है, रोहिणी की नहीं। रोहिणी के पर्यायवाची जो होते हैं, जैसे इसका अज अजतारा अजर वृद्ध ब्रह्म कह कमलज कमल योनि कमलागार चतुरास्य ताम प्रशोदय द्रोहिण्यम धाता धातृभम प्राजेशम प्रजापत्यम प्रजापति देवतम प्रजापति पद्मतनय ब्राह्मी ब्राह्मम रोहिणी विद्यात्रयम विधि विरंच विरचि विरचि वेधा वैत्सम वैरचम साक्टम सतानंदम सरोज निलय आदि आदि नाम इसके होते हैं। जो अनुसंधान प्रेमी है उनके लिए बात है, हर एक स्लाइड हर एक व्यक्ति के लिए नहीं है। जिसको जो लगे अपने काम की बात उठा लीजिए, उतना देखो आगे बढ़ो। ठीक है, रोहिणी नक्षत्र के विषय में संपूर्ण जानकारी यहां से चालू करते हैं कि यदि आपका जन्म रोहिणी नक्षत्र में होगा तो क्या हो सकता है, आपका व्यवहार कैसा हो सकता है। ठीक है, चलते हैं आगे भाई, रोहिणी नक्षत्र में डिटेल पे बढ़ते हैं। यदि आपका जन्म रोहिणी नक्षत्र में है, अगर किसी जातक का जन्म रोहिणी नक्षत्र में होता है तो उसके शरीर के ऊपरी भाग में बाल अधिक होंगे, जन समूह का नेतृत्व करेगा, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होगी, पीठ चेहरे पार्श्व पर मिशन निशान होंगे, दूसरे को धोखा देगा, अपनी माँ के लिए अशुभ होगा, धनवान और विद्वान होगा। जातक पर यह हो रहा साथ में कहा है, जातक परिजात कहते हैं अगर व्यक्ति के जन्म के समय चंद्रमा रोहिणी में हो तो दूसरों की कमजोरी को जानेगा, झुका हुआ ज्ञान प्राप्त एवं पराई स्त्री के वशीभूत होगा। ऋषि नारद कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो रोहिणी में जन्म लेता है, व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्व का होगा, अटल प्रवृत्ति, इज्जतदार, खुशियों का आनंद उठाएगा, सुरों को पसंद करेगा, मतलब संगीत का प्रेमी होगा, अच्छा वक्ता, निपुण और कुशाग्र बुद्धि का होगा। वृहत संहिता में कहा गया है जो व्यक्ति रोहिणी नक्षत्र में जन्मा है वह राज्यवादी होगा, पवित्र मधुरवाणी, स्थिर दिमाग व दिखने में सुंदर होगा, सक्रियता बिल्कुल संतुलित आदमी होगा ये। ठीक है, अब मूल चिंतामणि में बताया है एक और चीज है, वृहत संहिता में कहा है कि जब शनि का गोचर रोहिणी के ऊपर से होगा, ठीक है, तब क्या होगा, तब कौशल भद्र काशी और पांचाल, देखो ये जो मैंने बोला है कौशल भद्र काशी और पांचाल, ये प्राचीन काल में भारत के जनपद किया करते थे, राज्य हुआ करते थे। ठीक है, इसके विषय में आपको प्राचीन भारत पढ़ना चाहिए कि तब कौन सा कौशल देश कौन सा था, भद्र देश कौन सा था, काशी कौन सा था, पांचाल कौन सा था। ठीक है, तो इन प्रदेश के लोगों को खासकर बैलगाड़ी से रिलेटेड, अब चूंकि अब बैलगाड़ी तो नहीं है तो वाहन से रिलेटेड जो फोर व्हीलर ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है उनको परेशानी होगी, ऐसा बताया गया है। ठीक है, यदि रोहिणी का संचार ट्रांजिट शनि रोहिणी नक्षत्र पर शनि आ जाए तब ऐसी बात होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए, यहां तक तो बात हो गई, अब देखते हैं कि शनि का गोचर भी हो गया ये भी बता दिया आपको, रोहिणी नक्षत्र वाले जातकों के संबंध में कार्य व्यवसाय क्या क्या भाई आपको करना चाहिए इसको सुने आप जरा ध्यान से, कि ऐसे में रोहिणी नक्षत्र वाले जातक कौन सा व्यवसाय उनके लिए सुटेबल होगा। ठीक है, चलते हैं। यह चंद्रमा का बहुत ही उत्तम नक्षत्र है जो पूरी तरह शुक्र की वृष राशि में पड़ता है, इसके चारों चरण शुक्र की वृष राशि में पड़ते हैं, तो शुक्र का प्रभाव तो होगा, ऐशो आराम,
लग्जरी ऐश्वर्य तो इसके जीवन में होगा ही होगा, ऐसा व्यक्ति पसंद करेगा लग्जरी। दोनों ही ग्रह स्त्री जाति के, चंद्रमा और शुक्र। तो स्त्री जाति शुभ, जली, संवेदनशील और चौथे भाव से जुड़े, मतलब सुख से रिलेटेड मामला है, इसलिए चौथे भाव से जुड़े व्यवसायों में अधिक सफलता मिलती। ऐसे जातक संगीत, कला, मनोरंजन, सेक्स और फैशन में पारंगत होते हैं। जातक खाने और पीने की वस्तुओं का डिब्बे में बंद करना, वस्त्र उद्योग, डिब्बा बंद पैकेट का कोई काम, वस्त्र उद्योग, आंतरिक सुंदरता, वाहन, पर्यटन, अंतरिक्ष और खेल, जली क्रीड़ा, कृषि, बागवानी, जंगल के उत्पादन से संबंधित व्यवसाय कर सकते हैं। फोर्थ में क्या होता है, पानी का जहाज आता है, पानी आता है, तालाब आता है, बहुत सारी चीजें आती है, खेती पूरी पूरी बागवानी पूरी खेती और पूरा फूड का काम भी आता है। ठीक है, तो ये भरणी नक्षत्र के जातक इस प्रकार के कार्य में अपना ध्यान दे सकते हैं। अब आगे चलते हैं, रोहिणी नक्षत्र इस प्रकार का दिखता है, कुल ये 8 तारे हैं। ठीक है, 8 तारों का नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र नक्षत्र कष्टावली में कहा है, जामुन वृक्ष की जड़ से रोहिणी जामुन वृक्ष की जड़ से रोहिणी नक्षत्र की पीड़ा शांति होती है। ठीक है, तो ये जामुन का वृक्ष जो है, भारत का सभी नागरिक जामुन का वृक्ष जानता है, और आपको इसके विषय में ज्यादा बताने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है, जो चीज जानकारी में है तो है। ठीक है, अब यदि आपका रोहिणी नक्षत्र होगा तो रोहिणी नक्षत्र पूरे शुक्र की राशि में आता है, वृषभ राशि में आएगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। देखिए, आपका चंद्रमा यदि 13 डिग्री तक है वृषभ राशि में, तो वो प्रथम चरण में आएगा, नाम आएगा उसका ओ से। यदि आपका चंद्रमा 13 डिग्री 20 कला से 16° 20 कला तक है, तो आपका ये कहलाएगा वा से नाम आएगा, द्वितीय चरण। यदि आपका चंद्रमा तृतीय चरण में है, 16 से 20 के दायरे में है चंद्रमा, तो वी से नाम आएगा। और यदि आपका चंद्रमा चतुर्थ चरण में है और आपका जो चंद्रमा है 20 डिग्री से 23° 20 कला के बीच में होगा, तो वो से नाम आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने आपका बताया कि ये कैसे काम करता है और कैसे होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जामुन वृक्ष की जड़ से नक्षत्र पीड़ा से शांति होती है, इसका याद रखना है ना। रोहिणी नक्षत्र और रोग, यदि किसी का रोहिणी नक्षत्र होगा तो उसको क्या क्या हो सकता है भैया, ये भी जानना जरूरी है। ग्रसनी का रोग, स्वर यंत्र शोध, घेंगा, गोइटर, शीत ज्वर, कफ रोग आदि हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यदि आपका रोहिणी नक्षत्र का जन्म है तो आपके लिए ये जो राहु की दशा विपत तारा की दशा कहलाएगी, जो काफी तकलीफ देह होगी। ठीक है, इसके बाद शनि की दशा प्रत्यरी तारा में, वो भी तकलीफ देह होगी, और केतु की दशा वध तारा में काफी तकलीफ देगी। जिस जातक का रोहिणी नक्षत्र में जन्म है तो राहु, शनि और केतु की दशाएं तकलीफ देह हो सकती। देखिए, तकलीफ देह का मतलब कभी नहीं रहता यार कि पूरा का पूरा राहु खराब जाएगा, पूरा का पूरा शनि खराब जाएगा, पूरा का पूरा केतु जाएगा, ऐसा नहीं। क्योंकि ग्रह कभी इतनी पीड़ा नहीं देते कि आदमी की जान ही चले जाए। ठीक है, जिंदा रखते भाई। अब किसी की राहु की दशा चलेगी 19 साल की 20 साल की, शनि की दशा 19 साल की चलेगी, केतु की दशा 7 साल की चलेगी, पूरा खराब नहीं जाएगा। आपको प्रतिदिन क्या ध्यान रखना, आपको प्रतिदिन आपका चंद्रमा यदि किन नक्षत्रों में जाएगा, आद्रा, स्वाति, सद्भिषा में, तो आपका विपत तारा खराब दिन। पुष्य नक्षत्र अनुराधा उत्तराभाद में चंद्रमा चलेगा, तो प्रत्यरी तारा में ठीक नहीं है। वध, मघा, मूल, अश्विनी, इन नक्षत्रों पे आपका जब भी चंद्रमा आएगा, तो आपके लिए ये समय और ये दिन सावधानी के रहेंगे। देखिए, मेरे शब्दों को आपको सुनना चाहिए, सावधानी के रहेंगे। अब काम धंधा थोड़ी बंद कर देगा यार आदमी, कोई नक्षत्र आ जाए, जीवन थोड़ी बंद होता है। ठीक, जैसे नवग्रह स्त्रोतम होता है, वैसे 27 नक्षत्र के भी स्त्रोतम होते हैं। ये 9 श्लोक वाला जो स्तुति है अथर्वेद की, यह भी आप इसका गायन और पारायण कर सकते हैं, ये पाठ कर सकते हैं स्त्रोतम का, तो आपकी ग्रह शांति होगी, नक्षत्र शांति होगी। ठीक है, अच्छा, रोहिणी जो नक्षत्र होता है ये मूल नक्षत्र की श्रेणी में नहीं आता, याद रहे। ठीक है, नहीं तो आपको स्पेशल में गंड मूल का बताता। रोहिणी नक्षत्र कहीं से भी, जो 6 नक्षत्र होते हैं गंडमूल के, कौन कौन से, अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती, उसमें नहीं है। तो रोहिणी में जिसका जन्म होता है उसका मूल नक्षत्र से गंडमूल से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अब ये रोहिणी नक्षत्र शकटाकार 5 ताराएं
ध्रुव और स्थिर नाम का ब्रह्मा देवता इसका, यह समस्त स्थिर कार्यों जैसे चिरकाल साध्य कार्यों जैसे गृह आरंभ करना, उद्यान विवाह वधु प्रवेश आदि में प्रस है। इसमें यात्रा मध्यम होती है। इस नक्षत्र में उत्पन्न पुरुष स्वरूप स्वर्ण स्वर सर्व गुण संपन्न सर्वत्र विजयी दृढ़ प्रतिज्ञ और प्रतापी होता है। ठीक है, रोहिणी नक्षत्र 8 ताराओं का बना। इसमें देखिए रोहिणी नक्षत्र ऐसा लगता है कोई ढोलक की तरह ये दिखता है, सकटाकार है ना। मुहूर्त चंद्र चिंतामणि में कहा है कि रोहिणी एक स्थिर और ध्रुव नक्षत्र है। इन नक्षत्रों में स्थिर और स्थायी प्रवृत्ति की वस्तुएं, किसी के ग्रह से संबंधित वस्तुएं, बीज बोने संबंधित और शांति प्राप्ति के लिए किए गए कार्य अनुष्ठान, छोटे उपवन में रोपना, बगीचे में कोई छोटा पौधा रोपना, मंगल रोपणी लगाना, मंगल किए जा सकते हैं, मंगल पूर्वक कार्य किए जाते हैं। रोहिणी नक्षत्र ऊर्ध्वमुखी है, मतलब ऊपर की ओर दिखता है। यह तो नक्षत्र जिनके ऊपर की ओर होता है। इन नक्षत्रों में महल, राज्याभिषेक, 4 दीवारी, ऊंची संरचनाओं का निर्माण आदि संबंधित कार्य मंगल पूर्वक प्रारंभ और संपन्न किए जा सकते हैं। देखिए जो नक्षत्र ऊपर की ओर देखता है तो ऊपर जाने वाले काम करना चाहिए। ठीक है, रिसर्च के अनुसंधान के आकाश के सैटेलाइट के बड़ी बिल्डिंगें बनाना, कोई ऊंचा टारगेट करना, बहुत बड़ा टारगेट जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल का होगा, ये सारे काम हम कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए। रोहिणी नक्षत्र ये पैरों के घुटने के ऊपर के भाग को इंडिकेट करता है। ठीक है, रोहिणी नक्षत्र घुटने के आसपास का भाग। ठीक, लेकिन इस विषय में कई ग्रंथों में अलग अलग दिया है। नक्षत्र का कौन सा भाग किस अंगों को इंडिकेट करता, इस विषय में कई प्रकार के मतभेद हैं, इसलिए मैं ये बात को ज्यादा प्रामाणिकता से नहीं कह सकता। जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि रोहिणी नक्षत्र घुटने का ही प्रतिनिधित्व करता है, ये इस बात में मैं अधिकृत रूप से नहीं बोल सकता। अब रोहिणी नक्षत्र इसका देवता प्रजापति है, ब्रह्मा है। प्रतीक रथ वट वृक्ष है। दिशा इसकी पूर्व दिशा है। गोत्र ऋषि अत्रि है। वर्ण शूद्र है। गण मानव है। नाड़ी अंत ईड़ा है। प्रकृति स्थिर है और पक्षी उल्लू है। पंच पक्षी में गरुण गिद्ध कहलाता है। ठीक है, इसकी प्रक्रिया सृजन की है। जिसका जन्म रोहिणी में होता है, चंद्रमा की दशा उसको बचपन से ही मिल जाती है, जो 10 वर्ष चलती है। ठीक है, ये तत्वों में पृथ्वी तत्व को काउंट करता है। पृथ्वी तत्व जैसे जल तत्व वायु तत्व होता है, ये पृथ्वी तत्व। और इसका रंग सफेद है, सफेद रंग का है, व्हाइट है ना। और कार्यशैली संतुलित है और तारों की संख्या इसमें जो है 8 होती है। ठीक है, 8 तारों का ही समूह है। रोहिणी नक्षत्र की एक खास विशेषता यह है कि आपका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हो और आपका चंद्रमा वृषभ राशि का हो तो आप तो खुश हो साहब, वृषभ राशि का चंद्रमा है। उसमें भी एक खास जो घटी है, 21° 33' से 22° 26' तक ये अमृत घटी में होता है। ठीक, ये नोट कर लो, 21° 23' से 22° 26' तक ये अमृत घटी में होता है, जो अति शुभ कहलाता है। अंग्रेजी में इसको अल्फा टोरी भी कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए मैंने आपको तो बता दिया कि यार वृषभ राशि का उच्च का चंद्रमा हो जाएगा और तो वो अमृत घटी में भी हो गया, लेकिन कुछ नेगेटिव बात भी है इसमें। दो प्रकार की वृषभ राशि का ही चंद्रमा में दो ऐसे अंश आते हैं जो उष्ण घटी और विषुण घटी कहलाते हैं। उष्ण घटी क्या कहलाएगा? वृषभ राशि का चंद्रमा 11° 40' से, सॉरी 11° 40' से 13° 20' तक। ये अच्छे से सुन लो, 11° 40' से 13° 20' तक ये उष्ण घटी। विष घटी क्या होगा? 18° 53' से 19° 46' तक ये विष घटी कहलाएगा। जिस जातक का चंद्रमा उष्ण घटी में हो, विष घटी में हो या मृत्यु भाग में हो, वृषभ राशि का चंद्रमा यदि 12° के आसपास होगा, ठीक है 12° के आसपास होगा, तो वो मृत्यु भाग में भी कहलाएगा। तो यदि आपका चंद्रमा 12° का हो या मेरे द्वारा ये जो बताया गया है उष्ण घटी 11° 40' से 13° 20', विष घटी वृष का 18° 53' से 19° 46', ऐसा चंद्रमा कई बार तकलीफ देह होता है। ठीक है, अच्छे रिजल्ट नहीं देता है, ऐसा जानना।
रोहिणी नक्षत्र ऊर्ध्वमुखी है, ऊपर की ओर देखता है, तो इसमें मंदिर निर्माण, बहुमंजिली भवन निर्माण, मूर्ति स्थापना, ध्वज फहराना, राज्याभिषेक, मंडप बनाना, बाग लगवाना, पहाड़ पर चढ़ना आदि काम किए जाते हैं जो मैंने अभी बताया है। एक बार ये और रिपीट हो गया। रोहिणी नक्षत्र की जो प्रकृति होती है वो स्थिर प्रवृत्ति के होते हैं। सिंपल बात, जो हम स्थिर प्रवृत्ति के सारे काम हम कर सकते हैं भाई, इसमें कुआं खोदना, वृक्षारोपण, मंदिर निर्माण, बीज की बुआई, भूमि खरीदना इत्यादि। अब आपको अपने दिमाग से सोचना चाहिए स्थिर प्रवृत्ति के जो भी काम है ठीक है तो हम उसमें कर सकते हैं। अब ये चलते हैं, अब आपको सीधे कृतिक रोहिणी नक्षत्र के विषय में और बता देते हैं कि रोहिणी नक्षत्र यदि आपका हो तो आपके क्या क्या शेयर मार्केट में, इसके कमोडिटीज और स्टॉक मार्केट में शेयर खरीद सकते हो। ठीक है, तो दो तीन प्रकार के शेयर होते हैं, वही कमोडिटी होता है और स्टॉक होता है, इक्विटी होता है। तो ऑल टाइप्स ऑफ फूड ग्रेन, सभी प्रकार का अनाज इसमें आ गया, कॉटन और क्लोथ कपड़ा, जूस्ड आर्टिकल, रस रस वाले आइटम जो होते हैं, या फिर फलों के रस से जो आइटम बनाए जाते हैं, सारे रस से संबंधित, सिल्वर, परलेस, क्रूड ऑयल, पेट्रोल और परफ्यूम, ये सारी चीजें आती है। इनसे जुड़े आप कमोडिटी में तो फूड आ गया, बाकी शेयर मार्केट, इनसे जुड़े शेयर मार्केट में आप अपना धन लगा सकते हैं, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र है। इसकी शेयर मार्केट संबंध में अधिकृत जानकारी के बिना और बिना जाने समझे कभी पैसे नहीं लगाने चाहिए, नहीं तो औंधे मुंह गिरना तय है। नक्षत्र गदावली में बहुत विषय में जानकारी दी है कि कोई रोहिणी नक्षत्र कैसे हमको अच्छे और बुरे फल देगा, इसके क्या आराध्य देव हैं, क्या वनस्पति है, बूटी है। ठीक है, तो नक्षत्र कष्टावली की ओर आगे बढ़ते हैं। विश्व विजय पंचांग में कहा है रोहिणी मतलब ब्रह्मा जी। ठीक है, रोहिणी नक्षत्र में जनरली सिर पीड़ा, ज्वर, कुच्छी शूल, स्लाप आदि होता है। और आगे बताया है कि यदि रोहिणी नक्षत्र में यदि कोई बीमारी चालू होती है तो वो लगभग 7 दिन चलती है, ठीक है, और अधिकतम 28 दिन चलती है। इसको फिर इसके पूजा के तरीके भी बताए हैं और उनका एक मंत्र भी बताया है। और ये बताया है कि जो अपामार्ग है, लटजीरा है, जो पहले मैंने एक बार और बता चुका हूँ, अभी बताता हूँ आगे। अपामार्ग की जो जड़ है उसको मंत्र साध के 5,000 जो है रोहिणी नक्षत्र के मंत्र पढ़ के, तो इसका जो है धारण करने से रोहिणी नक्षत्र की पीड़ा शांति होती है। इस विषय में आगे और चलते हैं। अब ये हो गया। अब दूसरा पंचांग विश्व विजय पंचांग कहता है, वो भी अपामार्ग की जड़ कहता है रोहिणी नक्षत्र के लिए, और इसी प्रकार की बात दोहराता है। ठीक है, अब हम सीधे सीधे आ जाते हैं। अपामार्ग क्या होता है? ये लटजीरा होता है। आप जैसे इंटरनेट पे लिखोगे गूगल में अपामार्ग, भगवान गूगल ने सब कुछ दिखा देता है, निशुल्क पैसे नहीं मांगता। ठीक है, और ये मंत्र है रोहिणी नक्षत्र का। देखिए, रोहिणी नक्षत्र के मंत्र पे थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, कुछ इधर उधर हो सकता है, तो उसके लिए ऑथेंटिक यजुर्वेद से ही आप उठा सकते हो मंत्र को। जैसे यहाँ पे किताब का राइटर कह रहा है कि मैंने यजुर्वेद से लिया है साहब। ठीक है, ओम ब्रह्मा जज्ञानम प्रथम पुरुषत्वादि सीमित सुरचो वेन अवाव स बृंध्यान आ उपमा अस्तित्विष्टा सतस्य योनि मतस्र व्यो ओम ब्रह्माणे नमः। इसका 5,000 मंत्र जपना है। आपने देखा कि मैं एक मंत्र तो ढंग से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो क्या मैं 5,000 बार पढ़ पाऊंगा? बहुत मुश्किल है। तो आप कर्मकांडी ब्राह्मण से, जिसके अच्छे प्रोनाउंसिएशन है, उसके माध्यम से भी 5,000 जप करवा सकते हो, या आप स्वयं भी कर सकते हो। उससे प्रोनाउंसिएशन सीख लो, उसको पैसे दे के थोड़े बोल दे यार प्रोनाउंसिएशन सिखा मेरे को, या यूट्यूब में भी सिखाने वाले हैं, या रोहिणी नक्षत्र लिखोगे तो उसका मंत्र जाएगा वैदिक, वहां से प्रोनाउंसर सीखो और अपना काम चालू करो। काम रुकता नहीं यार, ये मत बोलना साहब पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहानेबाजी नहीं चलेगी। अब एक और दूसरे ग्रंथ में रोहिणी नक्षत्र का मंत्र वही है, लेकिन उसने थोड़ा प्रोनाउंसिएशन वाला बना दिया। ओम ब्रह्मा जज्ञानम प्रथम पुरुषताद्वि सीमतः सुरचो वेन आवा सुबंधनिया आ उपमा अस्य विष्टा सतस्य योनिम सतस्य
ओम ब्रह्माणे नमः सरल कर दिया है। ठीक है, तो हम सरल की ओर जा रहे हैं, कठिन की ओर की नहीं। मैं नहीं चाहता कि मैं बोलूंगी मैं ही करूंगा, आप भी करो, हम क्यों करें यार। रोहिणी नक्षत्र वालों के लिए आराध्य देव क्या होगा? जामुन। यदि जामुन का पौधा अपने आप गमले में लगा लो, आप शहर में रहते हो, मुंबई दिल्ली में रहते हो, ऊंचे माले में रहते हो, तो आप जामुन का पौधा गमले में लगा के उसकी प्रेयर कर सकते हो, उसके रोज दर्शन कर सकते हो, रोहिणी नक्षत्र वाले। ठीक है, तो आपको लाभ होगा, भगवान चंद्रमा आपका शुभ करेंगे। रोहिणी नक्षत्र से ये जामुन, जामुन का पौधा कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करता, संक्रमण की बीमारी से ठीक करता, रोगाणुरोधी है, संक्रामक रोगों की एक विस्तृत श्रृंखला का इलाज करता है ये। ठीक है, इसको जाम्बुल भी बोलते हैं, जामुन और जाम्बुल, है ना। अभी खास बात जो बृहन्नारदि पुराण में बोली गई है कि आपकी कुंडली में शनि किस नक्षत्र में है, आपकी कुंडली में शनि जिस नक्षत्र में होगा, ठीक है, उसकी बूटी का उपयोग आपको करना है। ठीक है, उसकी बूटी को आप हाथ में धारण कर सकते हैं, उस वृक्ष की पूजा कर सकते हो, सॉरी, उस वृक्ष की पूजा करने से जातक का कल्याण होगा। कितना सारा उपाय यार। अब आपका शनि किस नक्षत्र में है वो देखो, और उससे रिलेटेड वृक्ष कौन सा वो देख लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रोहिणी की पूजा के विषय में लिखा है कि हे देव शार्दूल, रोहिणी नक्षत्र में उसके स्वामी ब्रह्मा की पूजा करने से संतति प्राप्ति तथा गवादी पशुओं का स्वामित्व प्राप्त होता है। पूजा के लिए पीत वर्ण के पुष्प आदि का उपयोग करें। ब्रह्मा की पूजा की बात आई इसमें। ठीक है, रोहिणी नक्षत्र से जम्बूक जामुन वृक्ष की उत्पत्ति हुई। इसके बड़े तथा छोटे दो मुख्य भेद है, लैटिन में क्रमशः इंजूनिया जम्बोलोना तथा वेमेना हर्बेका ऐसा कहा है, नाम वनस्पति का दिया गया। जामुन के अन्य संस्कृत नाम है। ठीक है, फलेन्द्र नंदा सुरभिपत्रा जम्बुका भाव प्रकाश निघंटू है, आयुर्वेद के ग्रंथ है भाव प्रकाश निघंटू। ठीक है, उसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। भाई इतना कह के मेरा वीडियो समाप्त हुआ, और बकायदा वीडियो जो है मेरा 27 मिनट पे हो गया है कंप्लीट। अब मैं ज़्यादा बकवास करने के मूड में नहीं हूँ। 27 मिनट का वीडियो है, आप टुकड़े टुकड़े में देख सकते हो, जब जरूरत लगे उतना देखो, कुछ जरूरी नहीं कि यार पूरा का पूरा वीडियो एक साथ देख लो, टुकड़े में भी देख लो, कभी 10 मिनट का देख लो, कभी फिर आगे बीच का देख लो, देखिए जरूर। जिसका रोहिणी नक्षत्र है उनसे निवेदन है कि ये वीडियो देखो, और काफ़ी ये उपयोगी है, और आपको रोहिणी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन के लिए ही वीडियो बनाया जा रहा है कि आप इतनी इन्फॉर्मेशन से भर जाओ कि कोई व्यक्ति आपको डरा ना सके, लूट ना सके। ठीक है, ज़्यादा कोई कुछ कहे तो ये वीडियो उसके मुंह पे मार दो। ठीक है, कैसे मारोगे? शेयर कर दो उसको, ये देख लो, ये सुन लो, इससे बात कर लो, ये नंबर दे दो, तो हम उसका भूत उतार देंगे लूटपाट वाले का। ठीक है, इसीलिए ज्ञान बढ़ाने के लिए, और लोगों का जो धन लूट लेते हैं, कलयुग में ऐसे कई ज्योतिषी हैं जो जो क्रिमिनल एक्टिविटी में इंडल्ज है ना, वो ज्योतिषी नहीं है, वो बेसिकली क्रिमिनल है। ठीक है, जैसे पॉलिटिकल क्षेत्र में क्रिमिनल लोग आ गए ना, वैसे धर्म क्षेत्र में भी क्रिमिनल लोग आ गए, और हजारों साल से रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा शोषण करते हैं, दोहन करते हैं, हमारे दिमाग को पागल भी करते हैं, कई बार डराते हैं। काल सर्पियों के साथ तुम्हारी कुंडली में राहु शनि को देख रहा, अरे भाई राहु और शनि 180 के अंश में डिग्री में रहते हैं, हमेशा राहु और शनि देखते हैं, है ना। तो ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर, राहु के सामने शनि आ गया, शनि राहु को देख रहा है, बच्चा तेरे को तो खतरा है। तो वो बच्चा बेचारा डरपोक, डर जाता है जो, उसके बाद भागता इधर उधर, और कई पैसे लूटपाट हो जाती है। तो मेरा निवेदन है, लूटपाट से बचोगे यदि ज्ञान अर्जित करो, ज्ञान की तलवार जो है ये बहुत बड़ी काम की है। इसलिए ज्ञान को कार्जन करो, अच्छे वीडियो देखो, और जो अच्छे वीडियो हैं उनको प्रमोट करो, उनके लिए शुभ बोलो, उनके लिए कोई कमेंट करो, तो ऐसे लोग वीडियो बनाएंगे, नहीं तो हमारे जैसे लोग धीरे 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 वीडियो बनाना बंद कर देंगे। हम जानते हैं कि हमारा वीडियो देखने वाला आदमी लिमिटेड है, क्योंकि इसमें लच्छेदार भाषा में बात नहीं है, बाद बाद में नंबर डिस्प्ले नहीं करता वीडियो दिखाने वाला, और पहले से लोगों का हालात ये है वो कि वीडियो स्टार्टिंग हुआ नहीं कि मेरा वीडियो शेयर कर देना और ये कर देना, पूरी कहानी वो आपको लगातार काम पे लगाया रहता है वो। भाई कोई किसी का वीडियो क्यों शेयर करेगा यार, भाई आपके दोस्त लोग हंसेंगे उल्टे सीधे वीडियो शेयर करोगे तो। मैं तो कभी नहीं करता किसी का, जो व्यक्ति बहुत क्वालिटी का होगा उसी का वीडियो मैं शेयर करता हूँ,
कई लोग मुझे कहते हैं कि साहब हमको ज्योतिष सीखना, तो मैं कई वीडियो बताता हूँ, ये चैनल में जाओ, इससे ज्योतिष सीखो, पैसे बर्बाद नहीं करो, क्योंकि अच्छे लोग हैं। उसी तरीके से मेरा वीडियो अच्छा होगा तब मैं कह सकता हूँ कि भाई मेरा शेयर करना, मेरे को शेयर करने की क्या जरूरत है, लोग खुद ही मेरे को लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, शेयर कर देंगे। इतनी बुद्धि तो अब आजकल बिल्कुल बहुत रूरल एरिया में भी आ गई है कि लाइक कम करना क्या होता है, कमेंट करना क्या होता है। गांव में जाओ तो वो दूर मोबाइल में लेके बैठे रहेंगे और खोजते रहते हैं कहाँ नेटवर्क आएगा। भयंकर जागृति आ चुकी भैया, गांव का आदमी शहर के आदमी से ज़्यादा एडवांस हो चुका है। ठीक है, चलते हैं आगे। इतना कहकर मेरा रोहिणी नक्षत्र का ये चौथे नंबर का वीडियो है, तो ये रोहिणी नक्षत्र का जो प्रकरण यहाँ समाप्त होता है। हरे कृष्णा।